हेलो चिल्ड्रन, क्लास सिक्स केमिस्ट्री में बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा फाइबर टू फैब्रिक। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आपको वो अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो देखने के बाद आप उन्हें सोल्व करके अपनी नोटबुक को सबमिट करवाएंगे ऐप के थ्रू, ताकि हम उसमें कोई करेक्शन है तो उसको ठीक कर सकें। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, कपड़े हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हैं। वी वियर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम वेदर कंडीशंस सच एज हीट, कोल्ड एंड रेन। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपने शरीर को सुरक्षा दे सकें मौसम की परिस्थितियां जैसे गर्मी, सर्दी और बारिश से बचा सकें, इसलिए हमें क्लोथ्स डालने पड़ते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा, व्हाई वी वियर क्लोथ्स, और आप आंसर में लिखेंगे वी वियर क्लोथ्स से लेकर रेन तक आप इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, हम अलग अलग टाइप के कपड़े डालते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड डेली नीड्स, जो इस बात पर डिपेंड करते हैं हमारी जलवायु क्या है, हमारा व्यवसाय क्या है, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारी ट्रेडिशंस परंपराएं क्या हैं और हमारी डेली नीड्स रोज़ाना की आवश्यकताएं क्या हैं। द क्लोथ्स दैट वी वियर डेली, द टॉवल्स, द कर्टेन्स एट्सेट्रा आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। जो हमारे डेली यूज के क्लोथ्स होते हैं जैसे टॉवल्स वगैरह, कर्टेन्स वगैरह, वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक को ही कॉमनली क्या बोला जाता है, क्लोथ, कपड़ा कहा जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो रहेगा फाइबर एंड देयर टाइप्स, रेशे और उनके प्रकार। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जो कपड़े होते हैं वो कुछ निश्चित प्रकार के रेशों से बने होते हैं। फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रोंग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल्स। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स लंबे, मजबूत और लचीले धागे जैसे पदार्थ होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल, सिंथेटिक एंड मिक्स्ड। रेशों के तीन प्रकार होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और मिश्रित। तो बेटा यहाँ से आप दो क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका होगा डिफाइन फाइबर्स, ये डेफिनेशन आप उसमें अटेम्प्ट कर देंगे मटेरियल तक। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा राइट थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स, उसमें आप लिखेंगे नेचुरल, सिंथेटिक एंड मिक्स्ड। ये बेटा आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें फाइबर्स के तीनों टाइप बताए गए हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, मिक्स्ड। यहाँ पे उनके एग्जांपल्स शो किए गए हैं, यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स के टाइप दिखाए गए हैं, जो हम इसी पैराग्राफ में आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो फाइबर्स पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन, जूट, क्वायर, हेम्प और फ्लैक्स, ये एग्जांपल्स हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर्स हैं। तो बेटा यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे डिफाइन नेचुरल फाइबर्स, गिव देयर एग्जांपल्स। तो आप ये डेफिनेशन बोल्ड ब्लैक वाली नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन डालेंगे। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, कॉटन, जूट, क्वायर, हेम्प और फ्लैक्स, ये आप एग्जांपल में डाल देंगे। क्वायर बेटा नारियल का जो रेशा होता है आउटर कवरिंग, उसको क्वायर बोलते हैं। हेम्प और फ्लैक्स वैसे ही होते हैं जैसा जूट होता है, पटसन होता है, सन के रेशे होते हैं, उसी कैटेगरी में ये आते हैं। अब बात करते हैं वूल की। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स।
ऊन और रेशम ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट्स। ऊन जो है वो हमें बकरियों और भेड़ों की त्वचा से प्राप्त होती है। फ्लीस का मतलब होता है आउटर हेयरी स्किन। यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन बनाएंगे, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स, आंसर हो जाएगा आपका वूल एंड सिल्क। सिल्क फाइबर इज ड्रान फ्रॉम द कोकून, बीच में एक लाइन छूट गई बेटा, देखिए, इट इज आल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक्स एंड कैमल्स। जो ऊन की बात कर रहे हैं वो रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी प्राप्त की जाती है। सिल्क फाइबर इज ड्रान फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म। जो रेशम होता है उसको हम सिल्क वर्म, जो रेशम का कीट होता है, उसके कोकून से प्राप्त करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टर्म है बेटा, 1 मार्क्स में आप इसको लिखेंगे, फ्रॉम वेयर सिल्क फाइबर इज ऑब्टेंड, और आपका आंसर रहेगा फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म। द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। जो कपड़ा प्राकृतिक रेशों से बनता है उसे नेचुरल फैब्रिक, प्राकृतिक कपड़ा कहा जाता है। तो आप ये टर्म भी मेंशन करेंगे, डिफाइन नेचुरल फैब्रिक। आई होप आंसर आपको पता चल गया होगा। कंटिन्यू करते हैं इसको बेटा, देखिए आगे क्या बोलता है। यहाँ पे आपको कॉटन फाइबर्स और वूल दिखाई गई है। अगला हेडिंग है बेटा आपका एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। कहता है जो प्राकृतिक कपड़े हैं, नेचुरल फाइबर से जो बनते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले बोलता है दीज फैब्रिक्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वीट। ये जो कपड़े होते हैं ये ज़्यादा जल और पसीने का अवशोषण करते हैं। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, ये अपने अंदर से हवा को गुजरने देते हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल, ये जैव निम्नीकरणीय हैं, मीन्स सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको तोड़ सकते हैं। एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, और ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बेटा यहाँ से आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएंगे, गिव एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, गिव जोड़ देना आप, इसके साथ आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। गिव एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स, उसमें आप ये तीनों पॉइंट लिखेंगे। आप चाहें तो बेटा इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे आप डायरेक्ट लिख दें एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वीट, अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरमेंट। बेटा इसके जो नेचुरल फैब्रिक्स है इनके डिसएडवांटेजेस हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है, जितने क्वेश्चंस मैंने दिए गए हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आप अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करेंगे और ऐप के थ्रू वापस सबमिट करवाएंगे। थैंक यू।